नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको सलमान का कॉन्फ्रेंस के बारे में समझाऊंगी। बीएड सेकंड ईयर में सलमान का कॉन्फ्रेंस के बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, सुने और कॉपी में नोट डाउन करें। सलमान का कॉन्फ्रेंस, बच्चों सलमान का कॉन्फ्रेंस से पहले भी मानवाधिकार आयोग की बैठक में इस बात का डिस्कस हो चुका था कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब इसके बाद में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन हमारे विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में समावेशी दर्जा नहीं मिल पा रहा था, बच्चा समायोजित नहीं हो पा रहा था। तो विश्व परिदृश्य पर स्पेन में 7 से 9 जून के मध्य एक विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसी विश्व कॉन्फ्रेंस का नाम है सलमान का कॉन्फ्रेंस, जो कि स्पेन में आयोजित की गई 1994 में। सलमान का कॉन्फ्रेंस में पहली बार विश्व दृष्टिकोण की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की बात को अपनाया गया और कहा गया कि हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करने के लिए या समावेशी शिक्षा को अर्थ प्रदान करने में सलमान का कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा योगदान है। सलमान का कॉन्फ्रेंस में विश्व के 92 देशों की सरकारों ने हिस्सा लिया, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया और 300 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षा के दृष्टिकोणों को बढ़ाने के लिए बुनियादी नीतियों पर विचार करना, ताकि हर बच्चा जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद, उनकी विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के बावजूद शिक्षण व्यूह रचना किस प्रकार करना, किस प्रकार शिक्षक की भूमिका होगी, क्या क्या सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, किस प्रकार शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, माता पिता और समुदाय की शिक्षा के समावेशी शिक्षा में क्या योगदान हो सकता है, इस सलमान का कॉन्फ्रेंस में इन चीजों पर बच्चों डिस्कस हुआ। और शिक्षा के दृष्टिकोणों को बढ़ाने के लिए बुनियादी नीतियों पर विचार किया गया। अब बात आती है कि सलमान का जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी रूपरेखा में कौन कौन से विचार दिए गए, बच्चों वो देखिए। सलमान का कॉन्फ्रेंस में कहा गया प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब यह है कि हर देश में हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उस बच्चे को इस आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता कि उस बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने पर विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इस आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता, बच्चों। उसके बाद आता है भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदात्मक, भाषाई स्थिति को अनदेखा करके। भौतिक आप जानते हो, किसी स्कूल में भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बाथरूम्स में स्टैंडिंग नहीं है, खेलकूद के लिए मैदान नहीं है, व्हीलचेयर बच्चों को चढ़ने के लिए स्लाइडिंग वाली सीढ़ियां नहीं है। तो ये चीजें अगर उपलब्ध नहीं है और इस आधार पर अगर बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तो वो सही नहीं है। ये कह रहा है भौतिक, बौद्धिक, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, सेरेलम पॉलिसी से पीड़ित है, तो इस आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। सामाजिक और संवेगात्मक, आप जानते हो कई बच्चे ऐसे हैं जो सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनते हैं, सामाजिक रूप से जो जातियां बिल्कुल पिछड़ी हुई है, जो समाज की मुख्य
मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई है। और जो बच्चे गुस्से वाले हैं, भय, पलायन, ये सब प्रवृत्तियां अगर बच्चे में विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मतलब इन सब स्थितियों को अनदेखा करके सभी बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कहता है आपका सलमान का सम्मेलन। इसके बाद आता है विशेष आवश्यकता सहित सभी बच्चे लाभान्वित। इसका मतलब है कि प्रत्येक देश में ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले सभी बच्चे उससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। उसके बाद आते हैं सभी बच्चे को सीखने देना चाहिए, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, ऐसी इस प्रकार शिक्षक को पढ़ाना चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके। हर बच्चे में सीखने के लिए उसमें जिज्ञासा का भाव पैदा करना चाहिए, उसको बार बार में अभिप्रेरित करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दंड बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो बच्चा मंद गति से सीख पा रहा है उसको विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो किसी भी माध्यम से बच्चा जैसा सीख रहा है, चाहे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीख रहा हो, चाहे बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री से सीख रहा हो, चाहे बच्चा श्रव्य सामग्री से सीख रहा हो, चाहे बच्चा चित्र देखकर सीख रहा हो, चाहे बच्चा क्रिएटिविटी करके सीख रहा हो, कैसे भी सीख रहा हो, बच्चे को सीखने का अवसर देना चाहिए। उसके बाद आता है विकलांग बच्चों के माता पिता और संगठनों को प्रोत्साहित। कई बच्चे आप जानते हैं जो विकलांग है उनके माता पिता उसको असहाय मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ गलत व्यवहार हो जाता है, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो कई ऐसे कारण है जिसके कारण विकलांग बच्चा अपने आप में हीन और कुंठित हो जाता है। उसमें दिमाग होते हुए भी वो सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता क्योंकि माता पिता उसको सामान्य वातावरण ही उपलब्ध नहीं करवाते। तो ये बोल रहे हैं कि विकलांग बच्चे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको उनके माता पिता और संगठनों से हेल्प लेनी चाहिए। फिर बोल रहा है बच्चों और प्रौढ़ों के लिए शैक्षिक योजना। इसके लिए आप जानते ही हो हमारे देश में क्या आया, SSC सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए SSC आया, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए रमसा आया, और सबका विकास करने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए बच्चों समग्र शिक्षा अभियान आया। अब बात आती है बच्चों विकलांग बच्चों को प्रवेश से मनाने। कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा स्वर्ण बाधित है, तो इस आधार पर नियमित विद्यालयों, सामान्य विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये सलमान का कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा थी। इसके अलावा सलमान का कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जिन लोगों को विशेष जरूरत हो उन बच्चों को नियमित स्कूल तक पहुंचाना। आप जानते हो दुर्गम पहाड़ियों में कई बच्चे रह रहे हैं, स्कूल आने में उनको असुविधा होती है, तो वहीं पर विद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए। आदिवासी जहां पर इलाके हैं वहां पर भी 1 किलोमीटर के दायरे पर विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। जहां पर लड़कियों को दूर विद्यालय नहीं भेजते हैं तो लड़कियों के लिए मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में ही विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो ऐसे उपाय अगर करेंगे जो आदिवासी और घुमक्कड़ जाति है उनके लिए विद्यालय स्थापित करेंगे। तो हर बच्चे को विद्यालय पहुंचाना है तो उनके लिए परिवहन सुविधा विकसित करनी पड़ेगी, उनके लिए पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध करवानी पड़ेगी, उनको समय समय पर अधिगम सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीजें अगर बच्चे को उपलब्ध हो जाएगी तो हर बच्चा जो विशिष्ट आवश्यकता चाहता है, विशिष्ट सुविधा चाहता है, वो बच्चा भी समावेशी शिक्षा का हिस्सा बन पाएगा। भेदभाव रहित शिक्षा, जन्म, लिंग, जाति, विकलांगता, किसी भी आधार पर सामान्य शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो वो समावेशी शिक्षा नहीं है। नियमित विद्यालय में हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिए जाने चाहिए। और जहां पर विशिष्ट विद्यालय नहीं है, आप जानते हो विशिष्ट विद्यालय महंगा पड़ता है, हर इलाके में
विश्वविद्यालय स्थापित करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। विशिष्ट विद्यालय में जो विशेष शिक्षक नियुक्त होते हैं उनके लिए शिक्षक प्रशिक्षण अवेलेबल करवाना क्या नहीं है, उनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हर इलाके में विशेष विद्यालय स्थापित नहीं किए जा सकते। विशेष विद्यालय में बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है और जब वो सामान्य समाज में जाता है तो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। तो विशिष्ट विद्यालय जहां पर नहीं है या विशिष्ट विद्यालयों को भी अब इस प्रकार की बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर सामान्य विद्यालयों में प्रवेश ले सके, सामान्य विद्यालयों के साथ या सामान्य विद्यार्थियों के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। तो ये है बच्चों सलमान का कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा का बयान। पहला, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई स्थिति को अनदेखा किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता सहित सभी बच्चे लाभान्वित होने चाहिए। सभी बच्चों को सीखने देने का अवसर मिलना चाहिए। विकलांग बच्चों के माता पिता और संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों और प्रौढ़ों के लिए शैक्षिक योजना बनाई जानी चाहिए और विकलांग बच्चों को प्रवेश से मना नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों को विशेष जरूरत हो उनको नियमित स्कूल तक पहुंचाना चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा बच्चे को उपलब्ध करवानी चाहिए। बच्चे को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। नियमित विद्यालय में हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। विशेष विद्यालयों को भी समावेशित विद्यालय में, मतलब विशेष विद्यालयों को भी समावेशित विद्यालयों में तब्दील किए जाने की पहल की जानी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर इलाके में विशेष विद्यालयों की स्थापना करना पॉसिबल नहीं है। विशेष विद्यालयों को भी समावेशित विद्यालय बनाए जाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और विशेष विद्यालयों को इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए कि वो आगे आने वाले समय में क्या कर सके आगे आने वाले शिक्षे में समावेशी शिक्षा ग्रहण कर सके, सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सके, सामान्य विद्यालय संस्कृति का हिस्सा बन सके। अब आता है बच्चों, सरकार ऐसी कौन कौन सी नीतियां बना सकती है जिसके कारण समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। ये सलमान का कॉन्फ्रेंस ने ये बात कही। सलमान का कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बजट और नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जो समावेशी हो। जैसे आपने देखा कि जगह जगह पर स्कूल स्थापित होने चाहिए, आवासीय विद्यालय स्थापित होने चाहिए, जहां पर पिछड़ी हुई जातियां हैं वहां पर विशेष सुविधाएं बच्चों को अवेलेबल करवानी चाहिए। केंद्र सरकार को बजट में आदिवासी इलाकों की शिक्षा पर खर्च का भार उठाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी इसका भार उठाना चाहिए। शिक्षा नीति इस प्रकार की बनानी चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को चिकित्सकीय परामर्श, मेडिकल सुविधा, विशिष्ट प्रकार के उपकरण या विद्यालयों में इस प्रकार की सभी अधिगम सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा विशिष्ट सुविधाओं के साथ अपनी अधिगम क्षमता का विकास कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। तो ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो समावेशी हो। जागरूकता पैदा करना, आप सब जानते हो कि कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर रोजगार की कमी है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, कुपोषण के शिकार है। तो ऐसे माता पिता को जागरूक किया जाना चाहिए, ऐसे बच्चों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए, उनके माता पिता को रोजगार अवेलेबल करवाना चाहिए और हमारी भारत सरकार ने इसके लिए मनरेगा कार्यक्रम चलाया ताकि उन माता पिता को रोजगार मिलेगा तो वो माता पिता जागरूक होंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे और जितने ज़्यादा बच्चे शिक्षित होते जाएंगे हमारा समाज जागरूक होता जाएगा। सभी बच्चों को एक विद्यालय में दाखिला दिलाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के बात है कि मान लो पूर्ण रूप से विकलांग है, पूर्ण दृष्टि बाधित है, पूर्ण स्वर्ण बाधित है, उनके लिए विशेष विद्यालय बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो आंशिक रूप से पीड़ित है उनको सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए। ये आपका सलमान का कॉन्फ्रेंस सरकारों को क्या देती है, निर्देश दे रही है।
सुविधाएं पहुंचाना, हर विद्यालय तक सुविधाएं पहुंचाना, चाहे वो शैक्षणिक सामग्री से संबंधित हो, चाहे वो विशिष्ट उपकरणों से संबंधित हो, चाहे अधिगम सामग्री से संबंधित हो, चाहे मानव संसाधन से संबंधित हो, चाहे भौतिक संसाधन से संबंधित हो, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार को विद्यालय तक पहुंचानी चाहिए। सरकार को विद्यालय में काफी मात्रा में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में शिक्षक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और आज हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो शिक्षाविद बन रहे हैं, उनको एक ऐसा शिक्षक बनना है ताकि आगामी पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर बजट और नीतियाँ ऐसी बनानी होगी जो समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाए, जागरूकता पैदा करनी होगी, सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में दाखिला दिलाना पड़ेगा और हर बच्चे को सुविधा पहुंचानी पड़ेगी। अब बात आता है कि ये जो सलमान का कॉन्फ्रेंस था, इसने शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए, विकलांगों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए। इसने कहा कि जो शिक्षा दी जाए वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर दी जानी चाहिए। आपको क्लास में पता होना चाहिए कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, ये बच्चा औसत है, ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये बच्चा सृजनात्मक है। इस आधार पर उनमें कौशल विकसित करना चाहिए, वोकेशनल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये कहता है आपका सलमान का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। फिर कहता है प्रभावी अध्ययन की व्यवस्था। सलमान का कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि उन बच्चों को प्रभावी सीखने का जो अवसर दिया जाए कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो इस प्रकार का शिक्षकों के द्वारा अध्ययन दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से शिक्षण करवाना जाना चाहिए कि बच्चा प्रभावी अध्ययन कर सके। अल्पव्यवी बनाना। अब आपको मैंने बताया भी था विशिष्ट शिक्षा पर ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन अगर हम जो हमारे आंशिक रूप से विकलांग है उनको सामान्य विद्यालयों में भेजेंगे तो विशिष्ट शिक्षा पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है, अल्पव्यवी है, ठीक है, एक समावेशी वातावरण का निर्माण। आप सब जानते बच्चों, माता पिता हो, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बालक हो, हर बालक में अपनी आवश्यकता के प्रति हीन भावना आ जाएगी, लेकिन अगर माता पिता, समाज और शिक्षकों का रवैया अगर सकारात्मक बनाना है तो हमें स्कूल के वातावरण को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, सामान्य विद्यार्थी के साथ उसको खेलकूद करवाना पड़ेगा, प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी पड़ेगी, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवानी चाहिए और समाज के जो कार्य है उसमें उनको भागीदारी देनी पड़ेगी, ताकि एक विकलांग बच्चा अपने आप को अलग नहीं समझे, अपने समाज का ही अपने को हिस्सा समझे। अब आता है बच्चों शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। हर बच्चे को शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए, सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए और प्रभावी माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। श्यामपट पर मोटे मोटे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, शिक्षक को इस प्रकार से अध्ययन करवाना चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके, हर बच्चे की क्षमता का विकास हो सके, हर बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ये कह रहा है हमारा सलमान का कॉन्फ्रेंस। सलमान का कॉन्फ्रेंस जो कि 7 से 9 जून 1994 को बाढ़ में सरकारों, 25 संगठनों और 300 प्रतिभागियों के सानिध्य में शुरू हुआ, उसने ये कहा, ये रूपरेखा रखी, ये सरकार की भूमिका बताई और शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऐसे प्रावधान बताए जो हमें बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार समावेशी शिक्षा दी जा सकती है। समावेशी शिक्षा को एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है सलमान का कॉन्फ्रेंस। सलमान का कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमारे विश्व के कई देशों ने धीरे 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 विशिष्ट शिक्षा पर जोर नहीं देकर समेकित शिक्षा पर जोर देने लग गए, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर देने लग गए थे, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उसमें संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई किसी भी प्रकार की कोई भी विविधता बच्चे में हो, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये कहता है बच्चों आपका सलमान का कॉन्फ्रेंस, जो कह रहा है कि शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए बुनियादी नीतियों पर विचार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्पेन में 1994 में। जो बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये
टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और लिखते रहिए, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि बीएड सेकंड ईयर में कौन कौन से लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक कौन क्वेश्चंस जो है इनसे बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपकी अपनी विद्वता को आपके सामने, अपने विचारों को आपके सामने रख सकूं और बीएड सेकंड ईयर के बच्चों को प्रभावशाली शिक्षण उपलब्ध करवा सकूं। तो आप चाहते हैं तो लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए। धन्यवाद।